उनको देखो कितना गंद फैला हुआ है समाज में, वो नेकी भलाई के कितने कार्य करते थे, लड़कियों की सुरक्षा थी है, और कितना गंद फैलता है ना, वो अच्छे काम करते थे ना, इसलिए दुनिया से मुझको गवर्नमेंट को पेशांत नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीलम इंसा जी हैं जो डेरा सच्चा सौदा में 30 से 40 सालों से आ रही हैं, और डेरा सच्चा सौदा आश्रम की तरफ से जो कार्य चलते हैं उनमें भी इनका अहम योगदान रहता है। इनसे जानते हैं कि आश्रम का सच क्या है, आश्रम का माहौल कैसा है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिनसा का नेचर कैसा है। नीलम जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 30-40 सालों से आ रहे हो आश्रम में, जी हाँ। कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ तो अपने मैके के परिवार में जिसमें हम बड़े हुए, पढ़े लिखे, जो भी किया कुछ, उसमें भी शांति नहीं मिलती, यहाँ आके शांति मिलती है। सुरक्षा है लड़कियों की बहुत ज्यादा, हमारी बेटियां बहू है सब आते थे, छोटे छोटे से ही आती है, रात को भी रुके हो कभी? बहुत बार, हफ्ता हफ्ता भी लगा के जाती है बच्चे। कभी भी अलग तरीके का महसूस किया हो? कभी नहीं किया, हम तो घर से भी बढ़िया माहौल समझते हैं यहाँ का। लेकिन टीवी से तो बहुत अलग दिखाया जा रहा है। टीवी वाले के तो कोई झूठे चैनल हैं, ये तो पैसे देके कोई भी खरीद के कुछ भी बुलवा सकता है, इस पे तो हम विश्वास नहीं करते। गुफा में गए हो कभी? बहुत बार जाते हैं। क्या होता है वहाँ पर? वहाँ पर मीटिंग होती है और क्या होता है, उसको वहाँ अच्छी अच्छी शिक्षा, वहाँ के काम कार्य समझाए जाते हैं, और तो कुछ नहीं होता वहाँ लोग। वहाँ पर कभी भी आपने अलग तरीके का नहीं, कभी भी किसी और से सुना हो जो वहाँ लोग जाते हैं या देखा हो? नहीं नहीं, हमारा तो 50-60 लोगों का परिवार है, सारा का सारा परिवार यहाँ आता है, सबसे बड़ा है पक्के। लड़कियाँ भी आती हैं? हाँ, लड़कियाँ भी, सबकी बहुएं हमारे परिवार में, हम 5-6 दरानी जेठानियाँ, सब ननान भी हैं, सबके बच्चे, सब सेवा पे लड़की आती है। मेरी बहू डॉक्टर है, वो भी आती है सेवा पे, मेरी बेटी टीचर है, सब सेवा पे आती है, ससुराल परिवार सब। मीडिया में तो ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते, नहीं नहीं, ऐसे लोगों को क्या जवाब? मेरा बेटा इंजीनियर है, वैसे बैंक में मैनेजर है, मेरा बेटा आज भी आया हुआ है, वो भी डॉक्टर है, BDS है, वो भी आज भी आई हुई है। मेरा घर वाला BSN में SDO रिटायर हुई हैं, वो भी आज भी सेवा कर रही हैं, वहाँ ब्लॉसमिट समिति में सेवा करती हैं पक्के, सब सेवा करते हैं। मेरा जवाई डॉक्टर है, सब सेवा करती हैं, पूरी दिल जान से सेवा। इतने आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो झूठे हैं, हम तो नहीं समझते, वो तो कोई भी आरोप। आज भी आपका विश्वास है उनके ऊपर? क्यों विश्वास है? माँ बाप पे भी विश्वास नहीं करते हम, जैसे गुरु पे विश्वास करते। क्या बदलाव क्या है आपकी जिंदगी में जो हमारा तो देखो सतगुरु के कहते हैं, क्या गुण सुनाऊं, धरती से लेके आसमान तक पिताजी ने हमारा साथ दिया, हम तो विश्वास के, हम तो आपका शरीर का एक तिनका भी गुरु के चरणों में लगा देंगे। गुरु जी ने ऐसा क्या किया है समाज के लिए, लोगों के लिए, जो आप लोग उनके लिए इतने भावुक होते हो, इतना उनके लिए आज भी रिस्पेक्ट रखते हो? क्या बताएं बेटे, देखो हमको सुजान बहनों का प्रसाद दिया, हमको कितने कार्य समझाते हैं पिताजी, भाई बाल लवे बचा बैठा के, हम लड़कियों की शादी करते हैं, गरीब लड़कियों के मकान बना के देते हैं, गरीबों का राशन बांटते हैं, हर महीने हम 15 दिन में भी राशन बांटते हैं, 15-20 दिन में बांटते हैं, भी किसी का कोई बीमार है उसका भी इलाज करवाते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जरा गुरु जी ने नहीं करवाया, 133 मानवता भलाई के कार्य जो हम करते आ रहे हैं, खून दान करते हैं, मैंने 15 बारी खून दान खुद किया अपना। किसके लिए किया आपने? मानवता भलाई के कार्य के लिए, पिताजी ने बोला, हम तो 7 दिन में पूरा करते हैं, हमें हम तो पता ही नहीं चलता 24 घंटे में भी मालिक पूरा कर सकते हैं। 3-4 सालों से अब गुरुजी समाज में नहीं है, लोगों के लिए नहीं होंगे, हमारे लिए तो आज भी यही है। समाज को जरूरत है उनकी? हमको समाज को तो फुल जरूरत है, हमको तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है समाज को उनकी? उनको देखो कितना गंद फैला हुआ है समाज में, वो नेकी भलाई के कितने कार्य करते थे, लड़कियों की सुरक्षा थी है, और कितना गंद फैलता है ना, वो अच्छे काम करते थे ना, इसलिए दुनिया से मुझको गवर्नमेंट को पेशांत नहीं आ रही, अच्छे कार्य करना। आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या कोई दबाव डाला? नहीं नहीं, खुद फुल अपनी मर्जी से बोलती हूँ। क्या अपील करोगे सरकार से लास्ट में? हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारे गुरुजी आज भी हैं, कल भी हैं, और कल भी आएंगे यहीं पर, उनको जल्दी से जल्दी पिताजी को यहाँ भेजना चाहिए कि दुनिया का सुधार हो जाए, नेकी भलाई के कार्य चलते हैं, चलते रहेंगे, चला के रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सामने
फैक्ट रख रही हैं हमारे समाज की लड़कियां, लेडीज जो बता रही हैं कि झूठा बदनाम किया गया, झूठी इज्जत को, करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया मीडिया के द्वारा, इंसाफ की मांग की जा रही है, करारा तमाचा मार रही हैं उन हेडलाइंस को जो कहते थे यहाँ पढ़े लिखे नहीं आते। ये है असली सच, डेरा सच्चा सौदा विसन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का, जो लगातार हम आपको सीधी बातचीत दिखा रहे हैं पब्लिक की। आप लोग भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए, सच की साथ देकर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।